स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरआरबी जेई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम्स के बारे में, और इसमें मैं टच करूंगा टेक्निकल पार्ट के बारे में। दोस्तों, जो टेक्निकल पार्ट है उसमें हमने काफ़ी स्टूडेंट्स से बात करी है, फीडबैक लिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक फोबिया बना हुआ है इस टेक्निकल एग्ज़ाम से, क्योंकि इस टेक्निकल एग्ज़ाम में सभी ब्रांच का कॉमन पेपर आ रहा है। मतलब इसमें सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल भी है, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आ रही है, तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। तो बात ये होती है कि भाई तैयारी किस प्रकार से करें। और दूसरा, स्टूडेंट्स के मन में एक प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये कि कोई भी इस प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है अपने आसपास, जो उनको सभी विषयों की तैयारी करवा दे और साथ में एक क्वालिटी भी रखे साथ में। तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल एक ऐसा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको आरआरबी जेई के हिसाब से सभी टॉपिक्स के को लेके साथ में चलते हुए और विद एक्सपीरियंस फैकल्टी और बहुत ही जिनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ऐसी फैकल्टीज़ के द्वारा हमने आरआरबी जेई का टेक्निकल का एक कोर्स बनाया है, जिसमें सभी टॉपिक्स भी हमने कवर करे हैं और बहुत ही अच्छे से कवर करे हैं, जिससे आप एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंटली क्रैक कर पाए। तो आइए बढ़ते हैं टेक्निकल पार्ट की ओर। और इससे पहले मैं आपको दो बात ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये समझिए कि जो नॉन टेक पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपने पहले वीडियोस में कह चुका हूँ, जिसमें 150 क्वेश्चंस में 60 मार्क्स का अगर नॉन टेक्निकल पार्ट इसमें आ रहा है, तो ये जो 60 मार्क्स है ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। आप ये मत सोचिए कि कॉन्फिडेंस में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि यार मैं तो इसको, जैसे रीजनिंग है तो मेरे आराम से बन जाएगी, या फिर फिजिक्स क्या पढ़नी यार, केमिस्ट्री क्या पढ़नी, हो जाएगा यार अपने आप, ऐसा नहीं है। अब सिस्टमेटिकली आपको उसकी तैयारी करनी है, और उस नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए भी हमारे पास में हर चैप्टर के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स है, जिसको आप पढ़ के एग्ज़ाम में और जो है कॉन्फिडेंटली उसको दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ये वाली बात की, भाई नॉन टेक पार्ट की जो बात है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था स्टार्ट होने से पहले कि ये जो ये वीडियो है टेक्निकल का, इसके अलावा हमने 3-4 वीडियोस और डाले हुए हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल की एनालिसिस कर रखी है, मैकेनिकल की एनालिसिस कर रखी है, और सिविल की एनालिसिस कर रखी है। तो ये तीनों जो वीडियो है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा देता हूँ, जिससे आप इसको भी एक बार इसको देख लीजिए। और यहाँ पे मैं जो कवर करने जा रहा हूँ वो ओवरऑल टेक्निकल पार्ट को मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में तो मैंने वीडियो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, मैंने अपना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाया हुआ है, सिविल की फैकल्टी संगीत शर्मा सर ने अपना बनाया हुआ है, मैकेनिकल में मैकेनिकल काशिफ सर ने अपना बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे अभी आपको इस वीडियो में क्या है कंप्लीट पिक्चर दे रहा हूँ पूरे टेक्निकल कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं इस आरआरबी जेई टेक्निकल कोर्स के बारे में। और इसमें जैसे आप जान रहे हैं कि जो मुख्य जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब यहाँ पे देखिए ये बात जान लीजिए कि ऐसा आपसे नहीं कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी ब्रांच सिविल है तो आप पूरी की पूरी आप इलेक्ट्रिकल पढ़िए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल है तो आप पूरी की पूरी आप मैकेनिकल पढ़िए। देखिए ये ना तो फिजिबल है इतने कम समय में, और ना ही ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि एक्चुअल में आप ये देखेंगे इन सब में से जो सभी जो टॉपिक्स है, ये सभी जो ब्रांचेस है, इसके कुछ 4-5 ही चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आप 75% अपना इसका कोर्स कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि रादर देन कि भाई मैं पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ूंगा या पूरा का पूरा मैं ईच एंड एवरी ब्रांच पूरी पढ़ूंगा, आप ऐसा गुस्ताखी मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और ये 75% मार्क्स भी इसमें आप कवर कर रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ कवर कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें जान लीजिए सबसे पहले कि कौन कौन से इसमें तो ब्रांचेज हैं और कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो अराउंड 25 मार्क्स की है,
अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ये हमने प्रीवियस ईयर की 3-4 पेपर उठा के हमने एनालिसिस करे हैं। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि 25 मार्क्स है तो 25 मार्क्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 25 मार्क्स का देखिए 20 हो सकता है, 20 का 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, पर ऐसी नहीं है कि 20 का 10 हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्शंस किए जाते हैं उसी के लिए किए जाते हैं कि आप मन में एक एनालिसिस कर पाएं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम एग्जैक्ट डेटा बता रहे हैं और आरआरबी जेई वाला जो पेपर सेट कर रहा है वो इसके अकॉर्डिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मोटा मोटा आप अपनी तैयारी को जो गाइडलाइन देनी है वो इसके अनुसार आप कर सकते हैं। और ये भी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप इसको कन्फर्म खुद से भी कर सकते हो कि जो सर ने एनालिसिस कर रखी है, हमने एनालिसिस कर रखी है, तो आपके वो पेपर में वो कितना वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे बात कह दी है। अब बात समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आपके 25 मार्क्स के अराउंड आ रही है, मैकेनिकल आपके 25 मार्क्स के अराउंड आ रही है, सिविल आपकी 20 मार्क्स के अराउंड आ रही है, कंप्यूटर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं फिक्स। ये कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन तो फिक्स आ रहे हैं, 3 पेपर मैंने देख चुका हूँ उनमें फिक्स 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अराउंड 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई इन इन ब्रांच में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप ये सुन लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे कि रजिस्टर और कैपेसिटर सबसे इम्पोर्टेंट कवर हो रहा है, जिसमें आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना, रेजिस्टिविटी, स्विच ऑफ लो, स्विच ऑफ वोल्टेज लो, इस टाइप के सवाल इसमें आते हैं, पावर निकालना है ना, ये सारे सवाल इसमें आ जाते हैं। फिर आपका आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे डायोड के बारे में पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं, ऑसिलेटर के बारे में पढ़ते हैं, एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, ये ट्रांजिस्टर की कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सवाल देखे गए हैं इसमें। ठीक है, फिर है मेजरमेंट। मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अगेन इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपके गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल हो गया, मूविंग आयरन हो गया, आपके सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अमीटर जो है उसमें शंट, उसकी रेंज बढ़ाने के लिए शंट में क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और ये आपका होता है अगेन ये फोर्थ वन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपका ट्रांसफार्मर भी आता है, मोटर्स भी आता है। पर इन सब में मैं कहूँ कि जो ये टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब इसकी थ्योरी तब भी काफ़ी बड़ी है, पर ये जो तीनों टॉपिक की थ्योरी काफ़ी कम है, पर इससे बहुत क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो मैंने जो लिस्ट आउट करे हैं ये 4 1 2 3 4 ये आप देख रहे हैं, ये आपके कोर्स का 75% बनाते हैं। ठीक है, ये आप एनालिसिस खुद भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 75% करते हैं। अब ये आप ऐसा नहीं कि मॉड्यूलेशन उससे भी क्वेश्चन एक दो आ जाता है, कम्युनिकेशन से भी आ जाता है, पर आप उस एक या दो मार्क्स के लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, उसकी आप पढ़ सकते तो अच्छी बात है, या आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको ये कवर कर रहा हूँ कि एटलीस्ट, या फिर अगर आप 75% ऑफ योर आरआरबी जेई का इलेक्ट्रिकल पार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इट इज़ मोर देन इनफ कि आप इस कॉम्पिटिशन को क्रैक कर पाएँ। अब आते हैं मैकेनिकल में, मैकेनिकल और सिविल। मैकेनिकल और सिविल में दो पार्ट जो है वो कॉमन है, क्या क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो दोस्तों ये आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मैकेनिकल में भी कॉमन है, सिविल में भी कॉमन है। ठीक है, तो इसके सवाल बहुत आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, ये बात आप समझ लीजिए। फिर मैकेनिकल में जो इंपॉर्टेंट बैठ जाता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में कास्टिंग पे, वेल्डिंग पे और मशीन थ्योरी, जिसमें कास्टिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। तो ये आपने समझा कि ये मैकेनिकल की यही टॉपिक्स है, ये चार टॉपिक्स ही अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप 75% आपका मैकेनिकल अराउंड अराउंड आप कवर कर पाते हैं। इसी प्रकार से जो आपकी सिविल है, सिविल में एफएम और सोम तो हो गया कॉमन। फिर आपको जो बिल्डिंग मटेरियल है और एनवायरनमेंट एंड सॉइल है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग भी है, और आप हमारी जो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे संगीत शर्मा सर के तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी ये बिल्डिंग मटेरियल भी, और एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हैं, वो भी हमने इसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर करवाए हुए हैं। तो ये मैंने आप बात कर दी इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सिविल की, अब बात करता हूँ मैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में देखिए इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री है, कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग है। ये हमारे कंप्यूटर की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है रवि सर है, उन्होंने आपको कराई हुई है, तो ये बहुत अच्छे से एक एक पार्ट को उन्होंने क्लियर कराया हुआ है, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये आपके इन सारे चारों टॉपिक्स की।
तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट नेटवर्किंग के क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं, फिफ्थ जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर, जो भी पूरी की पूरी थ्योरी इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें करवा रखी है। और जो इन्होंने जो करवाया हुआ है ये 100% ऑफ योर कंप्यूटर जो नॉलेज है आपको जरूरत है वो इसमें करवा रखा है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल आप 75% तक कवर कर सकते हो ये चार चैप्टर यहाँ पढ़ के, यहाँ पे चार चैप्टर पढ़ के, यहाँ पे ये दो चैप्टर पढ़ के, ठीक है। तो आपने ये तो समझा कि भाई ये जो पहाड़ आप समझ रहे हो कि पता नहीं कितना बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको देखें, एनालिसिस करके देखें कि चीज़ आप पूरी ना करते हो, अगर 75% भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो ये आपने देखा। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग के आप देखना दोस्तों, क्वेश्चन चार पांच क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैठ जाते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन के भी आपके अराउंड पांच क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके कुछ क्वेश्चन आपके जो अपना इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है तो उसमें भी कॉमन से बैठ जाते हैं। मतलब अगर आपको इसकी नॉलेज है तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसमें भी कॉमन हो जाते हैं। ऐसे ही सिविल में भी जब हम पढ़ते हैं कुछ मीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसकी भी आपको नॉलेज होगी, या फिर मैकेनिकल में पढ़ते हैं तो भी आपको नॉलेज इसकी होती है। तो एक तो ये चीज़ है, और इसमें जो बात है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग देखो काफ़ी इसमें भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, और पाँच क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अभी हमने एज ऑफ नाउ, बाद में लेटर ऑन वी कैन एड सम ट्यूटोरियल्स ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम अभी कवर पूरा नहीं करवाते हैं। अदरवाइज़ ये हो जाएगा कि आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा इतनी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बहुत ज़्यादा पूरा पढ़ रहे हैं और सिर्फ 5 मार्क्स का आ रहा है, तो उसके बजाय आप फोकस करो जो आप ये 75% और 100% आप कवर करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और 75% आप इसका निकालोगे ना तो ये 90 में से आप अराउंड 65 मार्क्स ला रहे हो। तो आप अगर टेक्निकल में 90 में से 65 मार्क्स के अराउंड आप कवर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छा फिगर है। ये गंदा फिगर नहीं है, ये बहुत ही अच्छा फिगर है। और नॉन टेक पार्ट जो है हमारा उसमें आप 60 में से 60 स्कोर कर लो तो आपका क्रैक करना मतलब 100% श्योर ही है। तो इस प्रकार से आपने तैयारी इसमें करनी है। अच्छा, अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे आपने तैयारी करनी है, कैसे आपने एक्शन प्लान बनाया है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो वीडियो लेक्चर्स है तो वीडियो लेक्चर्स हमारे 1-4 हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें किसके आपको ये 1, 2, 3, 4 ये जो पूरा पार्ट दे रखा है ना यहाँ तक, हम आपको वीडियो लेक्चर करवा रहे हैं इसके, इस पार्ट के, इस पार्ट के और इस कंप्यूटर पार्ट के, ठीक है। तो इतना 63-64 मार्क्स की आपको पूरी थ्योरी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको मिल जाएगी। और इसके साथ में ही टॉप क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन करके है, और जिसमें हम लोगों ने 110 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के लिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 110 क्वेश्चंस लिए, मैकेनिकल के 110 क्वेश्चन लिए, सिविल के 110 क्वेश्चन लिए, और कंप्यूटर के हमने 110 क्वेश्चंस लिए। तो इतने हम क्वेश्चंस 550 तो ये क्वेश्चंस हो गए, प्लस क्योंकि एक बात है कि भाई कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 क्वेश्चंस और इंस्ट्रूमेंटेशन के भी 50 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो सॉल्यूशन में करवा रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। और अगर मे बी जैसे मान लीजिए हमने आपको 3-4 एक सेम टाइप के सवाल है और उसी टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको बना पाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो कहने की बात ये कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंस्ट्रूमेंटेशन में रादर देन कि आप पूरा का पूरा पढ़ें, आप अगर कुछ 50 क्वेश्चन के सेट भी कर रहे हैं और मोटा मोटा आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से हल किया जाता है, तो भी आप इसमें प्रोबेबिलिटी कुछ बनती है कि 2-3 मार्क्स इससे भी आप जुटा पाएं। तो एक बहुत ही अच्छा ये पूरा वीडियो लेक्चर्स का हमारा पूरा ये कोर्स है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर हमने ऑलरेडी ये 550 क्वेश्चन सेट लिया हुआ है तो ये 50-50 भी हमको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। ये जो आप 550 क्वेश्चन है, तो कई स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ क्वेश्चन आप ऐड कर दीजिए, तो ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके भी ले लेंगे जिससे आप कुछ तो इसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई सर हमने जो पेमेंट आपको किया हुआ है इसका, तो ये जो आप दे रहे हैं तो इसके लिए क्या हमको फिर से पूरा पेमेंट करना पड़ेगा? जी नहीं। मान लीजिए इसकी जो भी अमाउंट है तो इसके अमाउंट में जो आप इसका ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको आपसे प्राइस दोबारा आपसे नहीं ले रहे हैं इसमें, और फिर आप वीडियो लेक्चर के आपसे हम उसमें प्राइस लेंगे, ठीक है। तो यह सब मैंने आपसे बात कही, और एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस है ये कि कौन सी टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चार टॉपिक्स आप देख रहे हैं, 75% और एक कंप्यूटर वाला 100% कवर कर रहा है, और वीडियो लेक्चर है जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, मतलब उसमें ईच चैप्टर ईच एंड एवरी डिटेल से अच्छे से समझाया हुआ है,
तो वो चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। और इसके जो डेमो वीडियो लेक्चर्स है वो आप जरूर देखें, उससे आप एनालिसिस करें कि हमारी जो फैकल्टी है, हमारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी है, हमारी सिविल की फैकल्टी है, हमारी मैकेनिकल की फैकल्टी है, वो अप टू द मार्क है या नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही नहीं आ रहे, एक बार आप उसको जरूर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बात मैंने आपसे कही है, और भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन सेट है, जो 110 क्वेश्चन सेट है, तो हमने ये लगभग आपको आधे तो करा चुके हैं, आधे से आधा करा चुके हैं, कुछ रह गए हैं। तो कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर जल्दी करवा दीजिए, तो अब जल्दी करवा रहे हैं हम। सिविल के भी हमारे 110 क्वेश्चन का जो सेट है वो हमारा परसों नरसों तक मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। कंप्यूटर के और मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिकल के हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी है हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, आप वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड करके आप उनको देख सकते हैं। तो ये सारी बात इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कही है। और दोस्तों कोई भी इंक्वायरी के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा मोबाइल नंबर इसको नोट कर लीजिए, 9588251097, और हमारी ईमेल आईडी theory2practical@gmail.com पे। आपने करना क्या है, आपका एग्ज़ाम नेम और सिटी, ये तीन इन्फॉर्मेशन आप भेज दीजिए, और या फिर आप कॉल कर लीजिए इस नंबर पे, तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे किस प्रकार से आपको ये कंप्लीट कोर्स फॉर आरआरबी जेई मिलेगा। और आप एक काम कीजिए, हमारी जो वेबसाइट है theory2practical.com, उसमें आप जाइए और उसमें आपको ब्रोशर मिलेगा आरआरबी जेई का, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें भी आपको ईच एंड एवरी डिटेल मिल जाएगी। इसके साथ ही आप जो हमारा फेसबुक पेज है, इसमें हम डेली आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो एक वो भी बहुत अच्छा तरीका है आपकी तैयारी के लिए, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, जरूर उसको कीजिएगा। तो एक बेसिकली एक नेटवर्क बनता है आपका भी, और आप डेली क्वेश्चंस करते हैं तो एक मोटिवेशन आपको मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सबको अगले वीडियो में मिलता हूँ, और तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछें कमेंट में। और नेक्स्ट आपका कुछ किस टॉपिक में आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।